नगर पालिका द्वारा सोमवार को अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया है। अतिक्रमण अभियान थाने से रामनगर चौराहे होते हुए भगत जी मंदिर तक चलाया गया। तीन शेडों को बाहर जेसीबी की मदद से हटाया गया है व दुकानदारों नालियां बंद कर दी गई थी। जेसीबी मशीन द्वारा उन नालियों को भी खोला है। अतिक्रमण अभियान को देखते हुए व्यापारियों में हलचल मच गई है और अपना अपना सामान अंदर रखने लगे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें चित किया गया है कि यदि दोबारा से अतिक्रमण किया तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नगर पालिका के अतिक्रमण टीम में नायब तहसीलदार, अधिशासकीय अधिकारी चिरगांव, थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे अपने पुलिस बल के साथ मौजूद रहे हैं। सर, आज यहाँ चिरगांव नगर पालिका में अतिक्रमण का काम चलाया गया है, तो कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण हटाया गया है यहाँ? अभी सबसे एक अभियान चला है, लोगों ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी आया, उन्होंने कहा कि आप बुद्धि का समय दे दीजिए, लोग हटा लेंगे। हमने कहा अच्छी बात, कोई बात नहीं, लगातार अनाउंस किया जा रहा है, नोटिस दिया गया है। सर जैसे नहीं, 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 हटा रहे हैं लोगों ने, हमने देखा होगा, हटा रहे हैं। लेकिन सर हमें ये बताइए, आप जो लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं उनमें से कई सारे लोग मौजूद नहीं थे वहाँ पर, लेकिन तब भी हटाए गए। ऐसे ही वो सब्जी वाली दुकान जो बीच मार्केट में रखी है वो अस्थाई है, वो हट जाएगा। मैंने कहा अस्थाई है, सर जैसे अतिक्रमण जो हटाया गया है उसके बाद यदि ये लोग फिर दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रयास होगा कि लोग अतिक्रमण नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू प्रयास चलता रहेगा, बीच बीच में अभियान कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये शासन की पूरी मंशा है, जिलाधिकारी महोदय का जीरो टारगेट अतिक्रमण के नाम पर नारी नारियों किया है। हम हटाएंगे तो कहीं ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो हम ही नहीं चाहते किसी नुकसान हो।